राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों क्यों। अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है। हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीति करनी है। हमारे नेता तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं, इसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में भेज देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे। भेज दो, जरूर भेजो, इससे क्या होगा, देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी, नहीं ना। हाँ, आपके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, 30 साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल। जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला। आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिंचवानी पड़ी। 8 साल में मैंने दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार इलाज कर दिया। 15 साल में मध्य प्रदेश में आपसे क्यों नहीं हुआ? 8 साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खत्म कर दिए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी बला से तो देश जाए भाड़ में, बस आपकी सत्ता बनी रहे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था, आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया, अपने भ्रष्टाचार और अपने पैसे और सत्ता की हवस की वजह से। पर अब भारत रुकेगा नहीं, दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है, एक एक भारतीय खड़ा हो गया है। अब भारत बेचैन है, भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। अब ये एक एक भारतीय का मिशन बन गया है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं शुगर का मरीज हूं, एक एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं।